हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पहले आवाज आता था और आज भी यहाँ ये आवाज आता है। चमत्कारिक शिवलिंग देख के मुझे बड़ा आध्यात्मिक शांति महसूस हो रही है। इधर को है वो बड़ा साइज में बड़ा हो रहा है। ये प्रतिदिन एक तिल करके बढ़ते हैं। भगवान पार्वती समेत हमको दर्शन मिला एक बार। हम लोग जटा से इसको रगड़ करके धोते हैं, अगर बाबा बढ़ते नहीं होते तो अब तक घट गए होते। ये तो भगवान बताया, ये हम हैं, चिंता नहीं करना। शिवलिंग जो है वो हर साल तिल बढ़ते हैं। कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ है जी। क्या महादेव स्वयं बसते हैं इस मूरत में? क्या रोज बढ़ता है इस शिवलिंग का आकार? क्यों प्रतिदिन विशाल होते जा रहे हैं नंदी? क्या सचमुच दुनिया समा जाएगी इस अद्भुत शिवलिंग में? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं इस जग में कण कण में ईश्वर बसता है। आप में ईश्वर बसता है, मुझ में ईश्वर बसता है, लेकिन क्या जिन मंदिरों में हम जाते हैं, जिन मूर्तियों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, उसमें ईश्वर का कोई ऐसा अंश है जो आंखों से दिखता है? आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको देश भर के अलग अलग मंदिरों में लिए चलेंगे, जहां की कुछ ऐसी ही अद्भुत कहानियां हमारे सामने आई हैं। चमत्कार की इस कथा का कोई प्रारंभ नहीं, श्रद्धा के इस विश्वास का कोई अंत नहीं, पीढ़ियां गवाही देती हैं इस चमत्कार की। हजारों हजार साल से लगातार बढ़ रहा है शिवलिंग। आस्था के पदचिन्हों पर चलें तो युगों की यात्रा शुरू हो जाती है। तर्कों पर यकीन करें तो ये एक अनसुलझा सवाल है। भक्ति को भरोसा है कि यह महिमा है महादेव की, कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अब भी विस्तार ले रहा है। सदियां बीत गई लेकिन मान्यता कम नहीं हुई। तर्क बढ़े तो आराधना और मजबूत होती गई। श्रद्धा ने नंदी में भी अलौकिक परिवर्तन महसूस कर लिया, जिसकी प्रामाणिकता दर्ज है किताबों में। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हमारे साथ ऐसे मंदिरों का सफर कीजिए, जहां मूर्तियां वक्त के साथ आकार में बड़ी होती रहती हैं। कहीं ये पुजारियों भक्तों का दावा है तो कहीं सरकारी विभागों के माप में दर्ज। कई साल पहले मैं पहले बार आता था और मैंने बात सुना कि वो इस शिवलिंग जो है वो हर साल तिल बढ़ते हैं, तो क्रमांक से और बड़ा हो जा रहा है। हमने देखा है और स्वामी जी के मूवी सुना है और 6 साल से जो देख रहे हैं, कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पहले कोई साउंड का आवाज आता था और आज भी बुजुर्गों का कहना है कि आज भी यहाँ ये आवाज आता है जो किसी किसी को सुनाई देता है। ये त्रेता युग में भगवान श्री राम जब आए थे, उन्होंने बालू और रेत के माध्यम से बनवाया था, तो निश्चित रूप से लगातार ये भी बता रहे हैं कि लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये चमत्कारिक शिवलिंग देख के मुझे बड़ा आध्यात्मिक शांति महसूस हो रही है। ये पहले बहुत जंगल रही से, ये त्रेता युग भगवान राम के प्रतिष्ठित बालू से रेत से बनाया। नंदी बड़ा होता है करके 10-20 साल में 1 इंच बड़ा होता करके गवर्नमेंट भी बोलता है। क्या मूर्तियों का बढ़ना हकीकत है या फिर लोगों का भ्रम? क्या वाकई ईश्वर इन पावन स्थलों पर अपनी मौजूदगी का सबूत अपने आकार को बढ़ाकर दे रहे हैं या फिर ये कोई सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है? इसी पड़ताल पर निकले हैं। हमारा पहला पड़ाव है पवित्र नगरी काशी, जहां गली गली में मंदिर स्थापित है।
इसी शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल है हजारों साल पुराना भगवान शंकर का ये तिल भांडेश्वर मंदिर। ये शिवलिंग जो है बताया जाता है कि आकार में प्रतिदिन एक एक तिल भर का इसमें इजाफा होता है, तिल भर इसका आकार जो है वो बढ़ता है। अब यहां से लेकर सड़क तक की अगर हम गहराई देखें, यानी सड़क से ये स्तर जो है वो करीब 25 फीट का है और उसके ऊपर का आकार आप यहां पर देख रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई इसमें इतनी बढ़ोतरी होती है जितना कि दावा किया जाता है या फिर लोगों का एहसास है। लेकिन अगर पीढ़ियां यहां पर उनसे आप बात कीजिए तो सब बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है ये चमत्कार, इस अद्भुत शिवलिंग को उन्होंने खुद महसूस किया है। मान्यता है कि यह महाशिवलिंग प्रतिदिन तिल भर बढ़ता है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजारों साल से कायम है। आपको ये महसूस होता है कि तिल तिल ईश्वर बढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी, हमने देखा है और स्वामी जी के मुँह भी सुना है और 6 साल से जो देख रहे हैं कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ है। तिल तिल हमेशा बढ़ते रहते हैं, स्वयंभू मनु हैं, इनके बारे में हम लोग क्या जाने। हम लोग तो ये जानते हैं कि आदि अजन्मा हैं, भाई भगवान है, इनका तो कोई नहीं है कि इनका कोई तो जन्म होता नहीं, अजन्मा है, अविनाशी है। लोग इस जागृत शिवलिंग की आराधना करते हैं तो इस चमत्कार को देखने भी यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन से मुक्ति का मार्ग मिलता है। यहाँ तिल का तेल चढ़ाने से शनि दोष का निवारण होता है। देश के अलग अलग कोनों से अनेकों मन्नतों को संजोए लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के निर्माण की भी एक अद्भुत कहानी है। ये एक शिवलिंग नीचे है, उसका वहाँ तो सामने तक आया था, तो वहाँ से एक ज्योति, इस शिवलिंग से एक ज्योति स्वरूप में भगवान दर्शन दिया, एक ज्योति दिखाई दी ज्योति के स्वरूप में, तो उसमें से आवाज आ रहा था भगवान का, ये महाशिवलिंग कलयुग पर्यंत एक तिल का प्रभाव बराबर बढ़ता रहेगा। कोई भी प्राणी जिंदगी में एक बार आके इसके दर्शन करोगे, वो प्राणी मरते वक्त मुक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी प्राकृतिक है। इसका निर्माण नहीं किया गया, ये प्रकट हुआ है। बाहर से प्रवेश के बाद गर्भगृह तक आने के लिए सीढ़ियां चढ़नी होती है। ये बने हुए फर्श के नीचे तक जाता है और जमीन से इसकी ऊंचाई है करीब 30 फुट। वाकई में संभव है, ये 30 फीट नीचे, रोड से 30 फीट नीचे है, रोड जो है हम लोग का ना उससे 30 फीट नीचे है, और इनका रोज एक तिल बढ़ते हैं, एक तिल रोज बढ़ते हैं। लोग बताते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने के प्रयास भी कम नहीं हुए। मुगल काल में कई शासकों ने इसे यहां से हटाने की कोशिश की। हाँ, एक बार ऐसा पानी आया पूरा शिवलिंग के अंदर, ऊपर अंदर ही चले गए, दिखाई नहीं देता था, उसलिए वो तोड़ फोड़ कर नहीं पाया, कुछ डैमेज करके उन लोग चले गया ऐसा ना लो। तब दूसरी बार आया तो इसमें खून निकला है, फरसा से बहुत कुछ चोट लगा इस शिवलिंग को, तो उसी में ये डर के मारे उन लोग भाग गया। और तीसरे बार आई तो बोरा आके काटने वाली जो मक्की होती है वो आया चारों तरफ से घेर लिए उन लोगों। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस शिवलिंग को तोड़ने के प्रयास हुए लेकिन हर प्रयास विफल हुआ। मंदिर के पुजारी इसमें ईश्वर की मर्जी, ईश्वर का चमत्कार देखते हैं। वो कहते हैं कि न केवल इस शिवलिंग पर प्रहार करने वाले हर शख्स का नाश हुआ बल्कि शिवलिंग के बढ़ने की प्रक्रिया पर जरा भी असर नहीं हुआ। हालांकि तिल का आकार इतना छोटा होता है कि जो लोग रोजाना यहाँ पूजा के लिए आते हैं उन्हें आंखों से ये मामूली बढ़त नहीं दिख सकती। यहाँ का हाइट मान लीजिए हम 30 साल से यूज कर रहे हैं, हमने रोज देख रहे हैं उसको, तो हाइट हम कैसे पकड़ सकते कि हाइट बढ़ा है कि नहीं। आप मगर मान लीजिए आप आएंगे 30 साल 35 साल बाद, आपको समझ में आएगा ना, मेरे महंत जी भी नहीं बता सकते कि ये बढ़ा है कि घटा है, ये कोई नहीं बता, क्योंकि मैं रोज दर्शन कर रहा हूँ ना, मैं कैसे बता सकता हूँ कि इसमें बढ़ा है कि घटा हुआ है। हाँ, बढ़ते हैं, ये उनका कहने का मतलब रोज बढ़ते हैं। अधिकतर भक्त इस बात पर सवाल उठाना भी गैर जरूरी मानते हैं कि शिवलिंग के आकार में फर्क आ भी रहा है या नहीं। उनका मानना है कि ये ईश्वर की लीला है। मान्यता इनका ये कि अनादि काल से ये बढ़ते आ रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, जैसे यात्री आते हैं तो कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम पहले आए थे तो शिवलिंग बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया,
तो इतना तो नहीं है कि एक तिल बढ़ता है तो पहले ही से बाबा अनादिकाल से हम तो इतने ही बड़े से देख रहे हैं, हमारा बचपन यहीं से गुजरा है, ये तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं साल में, लेकिन बढ़ते हैं रोज। हाँ, ये बाबा की चमत्कार ही तो किसी को नहीं मालूम कि रोज बढ़ रहे दिखाई दे, वो तो दिखाई नहीं देगा। अब वो रात को मंदिर बंद होता है तो बाबा का कोई अंदर चमत्कार होता होगा तभी बढ़ते होंगे, ऐसे तो इंसान तो देख नहीं पाएगा, भगवान तो किसी के सामने आएंगे नहीं। तिल भंडेश्वर को लेकर जो मान्यता है वो आज की नहीं है, हजारों साल से यहाँ से जुड़ी हुई है। दरअसल एक तरफ वो अद्भुत चमत्कार है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की आस्था है कि यहाँ आने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है जो जागृत है। हमें ये भी बताया गया कि मंदिर की ओर मुख कर बैठे नंदी के सींगों पर अपनी उंगलियों को कुछ इस अंदाज में रखकर अगर वहाँ से शिवलिंग के दर्शन किए जाएं तो ये साक्षात कैलाश दर्शन के बराबर है। हम मंदिर की अनूठी मान्यताओं और कहानियों को सुन ही रहे थे कि तभी अमरीकी छात्रों का एक दल वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचा। उनके टीचर प्रोफेसर क्रिश्चियन उन्हें वाराणसी में जीवन और मृत्यु की अहमियत बताने लाए थे। You've come with a group of children to tell them about life and death in Varanasi. Yes, this is true. और आप हिंदी बोल सकते हैं? जी हाँ, हाँ। तो यहाँ पर यहाँ के बारे में आपने क्या सुना? यहाँ के बारे में हम कई साल पहले हमें पहले बार आता था और मैंने बात सुना कि वो इस शिवलिंग जो है वो हर साल तिल बांटते हैं तो क्रमांक से और बड़ा हो रहा है। तो मैं उनकी मेरे विद्यार्थियों को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहे कि वो हिंदू लोग सोचते हैं या विश्वास करते हैं कि भगवान के शक्ति पूरे भूमि में बड़ा हुआ है तो क्रमांक से कभी कभी निकलते हैं और हम देख सकते हैं कि कोई शिवलिंग है और शिवलिंग भगवान की शक्ति की कुछ साइन जो है ना, निशान या लिंग है और ये एक बहुत प्रधान और नामी शिवलिंग है। प्रोफेसर 2007 में पहली बार काशी आए थे, तब से हर साल यहाँ आते हैं। हमने उनसे पूछा कि तिल भंडेश्वर मंदिर की मान्यता पर उन्हें विश्वास है या नहीं। उनके जवाब ने हमें निरुत्तर कर दिया। बात नहीं है कि इन लोगों को विश्वास होना चाहिए, बात है कि दूसरे लोगों के विश्वास के बारे में समझना चाहिए और दे शुड अंडरस्टैंड दूसरे लोगों की संस्कृति और दूसरे लोगों के वे ऑफ लाइफ, दे शुड अंडरस्टैंड अदर पीपल। ये भी सच है, बिना पड़ताल विश्वास को अंधविश्वास कह देना अज्ञानता ही तो है। और हम तो अपनी अद्भुत दुनिया के ये अकल्पनीय अंश आपके सामने पेश करने निकले हैं। दुनिया के प्राचीनतम शहर वाराणसी की सकरी गलियां हो, छत्तीसगढ़ के घने जंगल या फिर दूर दक्षिण में बसा आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, भक्ति का भाव हर जगह एक ही रहता है, जो चमत्कार के आवरण में लिपटा हुआ धर्म ध्वजा की तरह लहराता रहता है। और ये श्रद्धा ही है जो पत्थर को महादेव बनाती है, प्रतीकों के संरचनात्मक बदलाव को चमत्कार कहती है। विज्ञान इन मान्यताओं को, विश्वासों को अपनी कसौटी पर कसता रहता है, लेकिन आस्था इन सभी तर्कों से परे रहती आई है युगों युगों से। आस्था और विज्ञान के बीच हमेशा टकराव की स्थिति नहीं होती, कई दफा उस अद्भुत से विज्ञान भी विस्मित हो जाता है। आस्था में सराबोर जो श्रद्धालु हैं, वो देश भर से तिल भंडेश्वर मंदिर आते हैं मुक्ति का मार्ग तलाशने के लिए। लेकिन हम यहाँ जो मार्ग तलाश रहे हैं वो है श्रद्धा और विज्ञान के बीच। क्या लोगों के एहसास में जो मूर्तियों के बढ़ते आकार की बात समाती है उसका कोई वैज्ञानिक जवाब भी है? में मौजूद तिल भंडेश्वर मंदिर में प्रतिदिन आकार में बढ़ते शिवलिंग के चमत्कार की कहानी आपको सुना रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मान्यता के पीछे क्या सोच है, ये सच है या केवल एक कहानी।
अगर दावों पर यकीन करें तो ये शिवलिंग रोजाना तिल भर बढ़ता है। एक तिल को अगर माप के हिसाब से हम 1 मिलीमीटर माने तो 1 महीने में इस शिवलिंग को 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए और 1 साल में शिवलिंग के आकार में 36 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए यानी 1 फीट से अधिक का ये इजाफा आंखों से दिखना चाहिए। पर शिवलिंग के आकार में वृद्धि आंखों से नहीं दिखती, तो फिर आखिर इसका कारण क्या है? क्या आकार में बढ़ोतरी नहीं हो रही? क्या ये केवल करिश्मे की कहानियां हैं? तिल का आकार आंखों से मापा नहीं जा सकता है, यह बहुत सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा ही मापा जा सकता है। तो पहली ये संभावना है कि तिल के द्वारा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सिर्फ मान्यता के आधार पर, चूंकि आपने उसे उस नजरों से देखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और अगर मान लें इसमें इतनी वृद्धि हो भी रही है तो ऐसा इसलिए संभव हो सकता है कि उसके आसपास के क्षेत्र थोड़े बहुत धंस रहे हों। दरअसल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मंदिर के पुजारियों की बातों को सुनना और खुले दिमाग से समझना भी जरूरी है। चलिए संदेह को एक किनारे रखते हैं और इस तर्क को सुनते हैं। स्वयंभू तिलमानेश्वर महादेव जी है, काशी के 59 लिंग है बाबा का स्वयंभू, उसमें जो है तो ये बाबा भी उसी गिनती में ही आते हैं। काशी में 59 लिंग है, उसमें बाबा ये आते हैं, ये प्रतिदिन 1 तिल करके बढ़ते हैं। ऐसा इनका बढ़ने का मान्यता सदियों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अगर ये बाबा बढ़ते नहीं तो प्रतिदिन इनके ऊपर जल चलता है, हम लोग जटा से इसको रगड़ करके धोते हैं। अगर बाबा बढ़ते नहीं होते तो अब तक घट गए हो। बाकी मंदिरों से अलग यहाँ का स्नान अभिषेक के रूप में नहीं कराया जाता बल्कि इसे नारियल के जूट से घिस घिस कर स्नान कराया जाता है। ये स्नान शिवलिंग को दिन में 3 दफा कराया जाता है। एक तिल रोज बढ़ते हैं, इनको हम लोग नारियल के जटा से जो है रोज घिसते हैं, इनको नहवाते हैं, स्नान कराते हैं, इनको नारियल के जटा से स्नान कराने के बाद इनको भोग लगाते हैं हम लोग, भोग वोग लगता है। तो इनका जो पूजा करता है उसके मालूम होगा क्या चीज है ये, ये शंभू है, ये शंभू। सीधे तौर पर पुजारियों के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शिवलिंग का आकार रोजाना नहीं बढ़ता तो दिन में 3-3 बार घिसने की वजह से अब तक इसे लुप्त हो जाना चाहिए था, पर गायब होने की जगह तिल भांडेश्वर सदियों बाद आज भी विशाल रूप में स्थापित है। कहते हैं मंदिरों की शक्ति में भक्तों की आस्था का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उस चमत्कार में उस विश्वास की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसीलिए कहते हैं जितने कंकड़ उतने शंकर, लोगों का विश्वास ही है जो इसे इतना अविश्वसनीय बनाता है। विज्ञान के तर्क जहां खत्म होते हैं आध्यात्म की सीमाएं वहां से शुरू होती हैं। और विज्ञान अपने शोध के आधार पर उस विश्वास के सामने तर्क रखता रहता है। आस्था और विज्ञान के बीच की कड़ी को जोड़ते जोड़ते हमारा सफर हमें ले आया आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर कुरनूल की पहाड़ियों में बने यगांति उमा माहेश्वर मंदिर। दुनिया के कोलाहल से दूर एक पहाड़ी पर बना यगांति उमा माहेश्वर का मंदिर प्रतीक है उस विश्वास का कि जब कभी युग बदलेगा तो उसकी शुरुआत इसी मंदिर से होगी। नंदी के बढ़ते आकार को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हवाई नहीं है।
दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है। हाँ, जो दावा है और जो पुष्टि की गई है उसके बीच चंद सेंटीमीटर का फासला जरूर है। यगांती उमा माहेश्वर मंदिर में एक प्रतिमा है भगवान शिव के वाहन नंदी की, जिसका आकार हर साल एक इंच बढ़ जाता है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ के पुजारियों के मुताबिक अब वो समय आने ही वाला है जब नंदी उठकर खड़े हो जाएंगे और उसी दिन से प्रलय की शुरुआत होगी। फेमस नंदी है, नंदीश्वर है, उसका फेमस वो वीर ब्रह्मेंद्र महाराज बोला है, वो नंदी बड़ा बड़ा वादा करेगा करेगा, अंत में वो उठ के हवा करता। मतलब कलयुग जब खत्म होगा तो नंदी चलने लगेगा, उठेगा। यहाँ माना जाता है कि एवरी ईयर वो नंदी का साइज थोड़ा इंच बढ़ता रहता है। और यहाँ के पास ही में एक मठ है बनगानपल्ली, वहाँ में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी का मठ है। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के हिसाब से वो मानते हैं कि जब ये नंदी ऊपर उठता है तब युगांत हो जाता है। हमारे संवाददाता आशीष पांडे को आस्था की इन्हीं चिन्हों को खुद देखना था और महसूस करना था धार्मिक मान्यताओं के ज्वार भाटे को। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था, लेकिन इस स्थान की मान्यता उससे भी कई हजार साल पहले से है। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने यहां भगवान वेंकटेश की प्रतिमा को स्थापित करना चाहा था, लेकिन प्रतिमा के पैर का नाखून टूट गया तो उन्होंने इसे अपशगुन माना। और उसी रात उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती ने सपने में कहा कि ये स्थान उनका है और उन्हें उनके मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद पत्थर की एक शिला पर शिव पार्वती प्रकट हुए और तभी से नंदी भी यही विराजमान है। बालाजी भगवान रखने के लिए उसको दिल में है, बालाजी भगवान को, बालाजी भगवान का ग्रह बनाया, बना के उसको रखने के लिए थे, ये पाँव नाखून से उठ गया, वो विग्रह पूजा का नहीं होता है ना, इसलिए उसको गृह में लगा दिया। गृह लग के बहुत चिंता करता है, मैं बालाजी में ऐसे ऐसे वगैरह चिंता करता है, चिंता करने से वो चिंता करके सो गया। सो गए से बालाजी भगवान आके, तुम चिंता मत करो, मैं इधर रहने वाला नहीं है, यहाँ पार्वती परमेश्वर रहने वाला है करके उनका स्वप्न में बोला। सपना बोलने से वह पार्वती परमेश्वर को तपस किया। नंदी की ये प्रतिमा अपने आप में अनोखी है। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं, उनमें नंदी प्रतिमा के सामने होते हैं, लेकिन ये नंदी प्रतिमा के ईशान कोण में है। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दी जाए तो वो पूरी हो जाती है, और यही वजह है कि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ कहा जाता है कि नंदी के कान में जो कुछ भी बोलते हैं और हमारी जो भी विशेष होती है जो हम उनके कान में बोलते हैं तो जरूर पूरी हो जाती है। यहाँ सब लोग मानते हैं कि यहाँ आके दर्शन करना बहुत अच्छा है। और यहाँ पे उमा महेश्वर स्वामी का टेंपल है और पास ही में एक पुष्करणी भी है, वहाँ का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें तो आस्था के साथ साथ उन पहलुओं की भी पड़ताल करनी थी जो न जाने कितने सालों से कही और सुनी जा रही है कि लगातार बढ़ रहा है नंदी का आकार, और जिस दिन यह आकार रुक जाएगा उस दिन से प्रलय की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उसकी घोषणा खुद नंदी करेंगे। बड़ा तो हो रहा पक्का, ये तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी देख ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल की भी देख रहा हूँ मैं, मगर ये कलयुग के अंत के अंदर ये तो कुछ देने वाला है बोल के आवाज देने वाला, जब कलयुग अंत होने वाला है बोल के सुन रहा मैं, मगर वो भगवान जानना, मैं तो अपन तो नहीं जान सकते। मंदिर की सेवा करने वाले पुजारियों का कहना है कि नंदी का आकार इतना बढ़ चुका है कि उन्हें वहां से खंभे भी हटाने पड़े ताकि नंदी के विस्तार में कोई अड़चन ना आए। प्रत्यक्ष रूप में नंदी के विस्तार को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक पीढ़ी का सफर तय कर चुके लोग बताते हैं कि कैसे वो नंदी के बढ़ते आकार के साक्षी हैं।
जब हम छोटे थे तब से सुनते थे कि नंदी का साइज बहुत बड़ा होता है, और मुझे भी याद है कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मैं आई थी यहाँ, तब उसकी साइज बहुत छोटी थी और मैं अब देख रही हूँ उसकी साइज बहुत बड़ी गई है। श्रद्धालुओं के दावों को तब और मजबूती मिलती है जब ये तथ्य सामने आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि हाँ, बढ़ रहा है नंदी का आकार। 20 साल में 1 इंच बड़ा होता करके गवर्नमेंट भी बोलता है। वही पहला 100 साल का बाद छोटा था, जब शादी करने वाला उसको घूमने, अभी घूमने का ये टाइम आ गया तो घूमने का भी जगह नहीं। उस टाइम में एक फूल भी उठा हटा दिया बीच में, बराबर एक पुल बना है, फिर उसको भी लपड़ गया जाके। देखिए, ये एक अध्ययन करने लायक चीज़ है, अगर पुरातत्व विभाग इसमें पहल करे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये प्रेसिपिटेशन का कारण है, तो आकार तो बढ़ता रहेगा, धीरे 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 बढ़ जाएगा। जैसे कि आप गुफाओं में जाइए, मैं बता रहा था कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट होती है, तो उनका भी आकार धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो वो समय के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि 100 साल पहले कितना था, 500 साल पहले कितना था, आज कितना है, तो उससे पता चलता है कि कितना धीरे 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 आकार बढ़ रहा है। लेकिन नंदी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो नंदी के बढ़ते आकार को लेकर विज्ञान की संभावनाओं से इनकार नहीं करता। मान्यताएं दिल की दुनिया में रहती है जहाँ दिमाग की सत्ता नहीं चलती, और ऐसी ही एक और मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ कौवे नहीं आते क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ है अगस्त्य मुनि का। कौवा इधर नहीं आने का, शनि इधर नहीं का, उसको श्राप से सबको मार डाला, उससे इधर कौवा नहीं आते। पूरा दिन मंदिर में बिताने के बाद, तर्कों को आस्था के तराजू पर तोलने के बाद भी मन में जो सवाल थे उनका सिलसिला खत्म नहीं हुआ, और हम कई नए सवाल लेकर वापस लौटे। नंदी का विस्तार किसी खास चट्टान या वातावरण की वजह से है, या वाकई कोई पौराणिक सच है जो सामने आना अभी बाकी है? अगर नंदी के आकार का विस्तार सैकड़ों साल से चल रहा है, तो कुछ लोगों ने 20 से 30 साल के अंतर पर उसे कैसे देखा? क्यों नंदी की ये प्रतिमा दुनिया के बाकी सभी मंदिरों की तरह शिव प्रतिमा के सामने नहीं है, और वाकई क्यों बढ़ रहा है नंदी प्रतिमा का आकार? ये विश्वास या तो अंधा समझकर खारिज किया जा सकता है, या चमत्कार मानकर स्वीकार किया जा सकता है, या फिर आकार बढ़ने की बातों की वैज्ञानिक पड़ताल की जा सकती है। हम तीसरे सिरे को पकड़कर एक और अद्भुत की ओर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम आपको छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले लिए चलते हैं, जहां शिवलिंग के साथ एक और अनूठी मान्यता जुड़ी हुई है। बताया जाता है एक वक्त पर जमींदार को हाथी पर चढ़कर उस शिवलिंग पर अभिषेक करना पड़ता था। सैकड़ों हजारों साल से, या शायद युगों से, ये स्थान भगवान शिव का स्थान है जहां वो स्वयं विराजमान है, दुनिया के इसी विशालतम शिवलिंग के रूप में। कम से कम मान्यताएं तो यही कहती हैं। ऐसा है कि ये आज 70 फीट की ऊंचाई में है, और विश्व का विशालतम प्रथम शिवलिंग है ये, जो आज गरियाबंद जिला में मौजूद है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये विश्व का विशालतम शिवलिंग भूतेश्वर नाथ जी हैं। लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, और चमत्कारी भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। हर साल ये शिवलिंग 6 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। कई लोग अपनी पूरी उम्र का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि कई साल पहले उन्होंने इस शिवलिंग के आकार को इतना बड़ा नहीं देखा था जितना अब है, और ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? पहले बहुत जंगल रही से, ये त्रेता युग भगवान राम के प्रतिष्ठित बालू से, रेत से बनाया, करीबन 15 फीट से अपन जाना था, 15 फीट की ऊंचाई रही से, और मोटान कम से कम 100 फीट रही से हुई अंदाज में। इसे स्वयंभू शिवलिंग है, माँ बभनैन भी यहाँ पर हैं, जिनको शास्त्र में ब्रह्माणी कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में जहाँ सड़क घने जंगलों में चली जाती है, वहीं से इस अद्भुत शिवलिंग की महिमा की कहानी शुरू होती है। लोग कहते हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था तब भी यह शिवलिंग यही था,
लेकिन सूक्ष्म रूप में था। और अब लगातार बढ़ते रहने की वजह से ये शिवलिंग इतना विशालकाय हो चुका है। किस्से कई थे, कहानियां कई थी, लेकिन तर्क भी अपनी जगह थे, जो इसे चमत्कार नहीं जलवायु और भौगोलिक स्थिति में बदलाव मानते हैं। मैं भी उस स्थान पर गया था और मुझे नहीं लगता कि ये इसकी अपने आप कोई मोटाई बढ़ रही है या इसका साइज बढ़ रहा है। होता यह है कि यह चट्टान जो थी वो एक मिट्टी के टीले में दबी हुई थी और जैसे जैसे उसका नीचे की जो सॉइल है उसका इरोजन होता जा रहा है, उस कारण नीचे से उसका साइज जो है वो एक्सपोजर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो हर साल जैसे जैसे उसका इरोजन होगा वैसे वैसे वो उसका जो साइज है वो अपने को बड़ा दिखेगा। इसलिए वहां के लोगों को शायद ये लग रहा है कि इसका हर साल साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध थे सत्य की तलाश के लिए और इसी के लिए हमारे संवाददाता सुनील नामदेव गरियाबंद के भगवान भूतेश्वर के आस्था स्थल पर पहुंचे थे। पहली नजर में शिवलिंग किसी विशालकाय चट्टान की तरह लगा, लेकिन जब लोगों से बात की तो लगा कि कुछ है जो इस पूजा स्थल को अद्भुत बनाता है। प्रचलित मान्यता के मुताबिक सदियों पहले इस जंगल से एक भारी सी आवाज लोगों को सुनाई दिया करती थी, जिसके बाद ही लोगों ने वहां इस शिवलिंग को देखा और मंदिर के रूप में स्थापित किया। आज भी लोगों का दावा है कि वो आवाज उन्हें सुनाई देती है। जब पहले बार देखा था तो कुछ हाँ छोटा था और अब बदलाव आ गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका ऊंचाई 70 फीट है और जो नंदी है उसका कभी कभी आवाज आता है, इसे सुनाई देते हैं। नहीं मालूम कि जो मुरादे लेकर लोग यहाँ आते हैं उनका क्या होता है, नहीं मालूम कि जो किंवदंतियां हैं उनका सच क्या है, लेकिन एक सच जो हमने देखा वो था लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कुछ तो है जो उनकी श्रद्धा को डिगने नहीं देता। आस्था के समंदर में जितना गहरा उतरिए विश्वास उतना बढ़ता जाता है, और इसी दायरे में किसी को दिखता है कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय, कुछ अकल्पनीय। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।